यूरिन पास करते वक्त कुछ गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, वरना यूटीआई की प्रॉब्लम बढ़ती है। किडनी स्टोन, किडनी इन्फेक्शन, ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम आती है, डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। फिर भी जाने अनजाने में हमसे कुछ मिस्टेक्स होते हैं। ये कौन से मिस्टेक होते हैं, वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मिस्टेक। सार्वजनिक शौचालय में हमें कई बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, तब हमें टॉयलेट सीट को ठीक से क्लीन कर लेना है, फ्लश आउट कर लेना है, तब यूरिन पास करना है, क्योंकि हमसे पहले कोई व्यक्ति गया है और उसे अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो वह हमें भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले उसे क्लीन करें, फिर यूरिन पास करें। लेडीज में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो लेडीज को इस बात को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखना है। सेकेंड मिस्टेक, कई लोगों को आदत होती है कि मॉर्निंग में आंख खुलते ही कई देर तक बेड में ही पड़े रहते हैं, यूरिन पास करने नहीं जाते। ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात भर में हमारी बॉडी खून को फिल्टर करती है और सारे विषैले पदार्थों को यूरिन के मार्ग से बाहर फेंक दी है। अगर आप देर तक बेड में ही पड़े रहेंगे, यूरिन को पकड़ के रखते हैं ज्यादा देर तक, तो इसका बुरा इफेक्ट हमारे किडनी पर और ब्लैडर पर पड़ता है। ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। नींद खुलते ही सबसे पहले यूरिन पास करना है। थर्ड मिस्टेक, कई लोगों को आदत होती है कि हाथ में लिया काम कंप्लीट कर लेंगे, फिर यूरिन पास करने जाएंगे, कई देर तक उसे पकड़ कर रखते हैं, तो ये गलती कभी मत करना। इससे क्या होता है, यूरिन पास करना हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफाई होता है। इससे अगर आप डीले करते हैं तो बॉडी में बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं और इसके कारण हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस बिगड़ता है, यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ये गलती अगर आप बार बार दोहराते हैं तो फ्यूचर में आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम भी बढ़ेगा। इसलिए जैसे भी यूरिन आने की आपको फीलिंग आती है तो तुरंत यूरिन पास करना है। फोर्थ मिस्टेक तो कई लोग करते हैं, हमें लॉन्ग जर्नी पे कभी जाना है तो घर से ही काफी कम पानी पीते हैं, या फिर पूरे दिन भर में हमें ऑफिस वर्क है या फिर घर से बाहर निकलना पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, ताकि हमें बार बार यूरिन पास करने ना जाना पड़े। तो ये गलती अगर आप करते हैं तो इससे आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, फ्यूचर में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर आप ये गलती बार बार दोहराते हैं, आपका पूरा डाइजेशन इससे खराब होगा, फिर मिस्टेक आपको यूरिन पास करने के सेंसेशन आ रहे हैं, फिर भी आप खाना खाने बैठ जाते हैं, ये गलती कभी मत करना। इससे आपके लीवर पर, किडनी पर और पूरे हेल्थ पर इसके काफी बुरे इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले यूरिन पास करना है, क्योंकि मल और मूत्र ग्रहण करके आप खाना खाते हैं, तो इसका बुरा इफेक्ट आपके ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है, आपके लीवर को, किडनी को डैमेज करता है। नेक्स्ट मिस्टेक, आधा अधूरा यूरिन पास करना। कई इम्पोर्टेंट काम हमें यूरिन पास करते हुए याद आ जाते हैं, तो आधा अधूरा यूरिन लेकर टॉयलेट के बाहर निकल आते हैं, ये मिस्टेक कभी मत करना। इस यूरिन जो होता है ब्लैडर में बचा रहता है और इसका लोड हमारे किडनी पर आता है, फ्यूचर में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बढ़ती है, आदतों पर और ब्लैडर पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, कई गंभीर बीमारियां स्टार्ट होने लगती हैं। इसलिए यह मिस्टेक कभी मत करना, यूरिन बिल्कुल शांति से, एकाग्रता से ही पास करना है। नेक्स्ट मिस्टेक, रात में झटके से बेड छोड़कर यूरिन पास करने जाना। इससे हमें हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि रात में जो भी हम बेड में होते हैं तो क्लाइमेट गर्म होता है और हम अचानक से बाथरूम चले जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट ठंडा होता है। इससे ब्लैडर की जो मांसपेशियां होती हैं, वह संकुचित होने के कारण वहाँ पर निर्माण होती है और इसके कारण हमें ब्रेन और हार्ट स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें, रात में आपको यूरिन पास करने के लिए अचानक से उठना भी बढ़ता है, तो झटके से ना उठें, बिल्कुल 3 सेकंड का गैप लेना है, आग जैसे भी खुलती है बैठ जाना है, बेड पर 3 सेकंड का गैप लेना है और फिर खड़े रहकर फिर से 3 सेकंड एक ही जगह पर खड़े रहना है, फिर यूरिन पास करने जाना है बिल्कुल आराम से, या फिर रात में जब भी आप सोते हैं तो 1 आवर पहले पानी पीना बंद कर देना है, तो रात में आपको यूरिन पास करने उठना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मिस्टेक हम लेडीज लोग ज्यादा दोहराते हैं, बार बार यूरिन पास करना, हमें यूरिन के सेंसेशन नहीं भी आते हैं, फिर भी हमें कहीं बाहर काम के कारण जाना पड़ता है तो हम यूरिन पास करने बाथरूम चले जाते हैं। ये बार बार ये प्रोसेस अगर हम दोहराते हैं तो इसके कारण हमारा ब्लैडर जो होता है वह यूरिन को ठीक से इकट्ठा नहीं कर पाता है और उस पर लोड आता है और इसके कारण हमें कई प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है, जैसे किडनी इन्फेक्शन बढ़ता है, ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम आती है, यूटीआई की प्रॉब्लम आती है और इसके साथ ही जेंट्स लोग जो होते हैं उनमें प्रोस्टेट की परेशानी बढ़ती है। नेक्स्ट मिस्टेक, यूरिन इन्फेक्शन की जांच न करना। अगर आपको यूरिन पास करते वक्त जलन या दर्द होता है तो तुरंत आपको इसकी जांच करनी चाहिए। लेडीज लोगों में ये ज्यादातर प्रॉब्लम आती है तो इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। बैक्टीरिया जो होते हैं यूरिन के पाइप के थ्रू ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं और यूरिन को एसिडिक बना देते हैं और इसके कारण हमें कई गंभीर बीमारियां स्टार्ट होती हैं। अगर साल भर में आपको 3 से 4 बार इस प्रकार से यूरिन में जलन और दर्द होता है तो तुरंत आपको जांच करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका यह प्रॉब्लम अगर बढ़ाता ही जाएगा तो धीरे धीरे यह खतरनाक बीमारी का रूप ले लेता है और यह किडनी तक पहुंच जाता है तो गंभीर बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए तुरंत डॉक्टर्स की सलाह लेनी है और ठीक से आपको ट्रीटमेंट करवाना है। आपका यूरिन अगर लाल या गुलाबी रंग का आता है तो तुरंत आपको यूरिन की जांच करानी चाहिए। लेकिन आपने अगर चुकंदर खाया या फिर कोई मेडिसिन ली है तो आपका यूरिन लाल या गुलाबी रंग का आ सकता है।
लेकिन ये चीजें आपने नहीं खाई है और आपका यूरिन का कलर लाल या गुलाबी रंग का आता है तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और यूरिन की जांच करानी चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक स्पेशली लेडीज के लिए, आप जब भी यूरिन पास करते हैं उस जगह को आप वॉश करते हैं तो एक बात को ध्यान में रखना है कि इसे आगे से पीछे की ओर वॉश करना है, पीछे से आगे की ओर। अगर आप इसे वॉश करेंगे तो जल्द से जल्द आपको यूरिन में इन्फेक्शन होगा। आप ये गलती नहीं करते होंगे लेकिन फिर भी जिसे नहीं पता है उनके लिए यह बात बताई। नेक्स्ट मिस्टेक, आप यूरिन करने के बाद अगर बार बार यूरिन के मार्ग को वॉश करते हैं तो ये मिस्टेक कभी मत करना। आप यूरिन के मार्ग को वॉश करने के लिए लिक्विड सोप या फिर केमिकल युक्त सोप का यूज करते हैं तो ये गलती करने से हमारे प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस आता है और इन्फेक्शन बढ़ता है। आप जब भी यूरिन पास कर लेते हैं तो नॉर्मल पानी का यूज करके उसे वॉश करते हैं और दिन भर में सिर्फ 2 से 3 टाइम ही इसे वॉश करना है। नॉर्मल पानी से भी आप ज्यादा बार इसे वॉश करेंगे तो ड्राइनेस बढ़ता है और ईचिंग जलन दर्द बढ़ने लगता है, इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक, दिन भर में प्रमाण से ज्यादा पानी पीना। आप ज्यादा पानी पीते हैं, सेहत के लिए अच्छा है तो हम ज्यादा पानी पियेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होता है ना कि हम ज्यादा पानी पीते हैं तो ब्लैडर को ज्यादा यूरिन बनाना पड़ता है और इसके कारण ब्लैडर पर इसका लोड आता है और हमारी सेहत के लिए काफी खतरनाक होता है। कोई भी चीज प्रमाण में होती है तो अच्छा है, प्रमाण से ज्यादा कोई भी चीज हेल्थ के लिए खतरनाक ही होती है। अगर ये सारी बातों को आप ठीक से फॉलो करते हैं और आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मुझे जरूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।